Hey everyone, come back again to another tutorial video. And आज की Samsung video के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप भी इस तरह की trending sky color 8K photo editing कर सकते हो AI का use करके। और आप भी अपने एक normal photo को इस तरह के sky change just one click में 8K photo editing में convert करना चाहते हो तो आज के Samsung video को last तक देखते रहना। तो गाइस आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सिंपली सर्च बार में सर्च करना है Adobe Firefly एंड फर्स्ट वाली साइट को ओपन करके यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल अप करते जाना है। यहाँ पे आपको जनरेटिव फील का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्रिएट विद फायरफ्लाई को प्रेस करना। उसके बाद यहाँ पे एग्री को प्रेस करोगे यहाँ पे इमेज जनरेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे जनरेट बटन को प्रेस करना है। बट यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें अपने फोटो के बैकग्राउंड को रिप्लेस कराना है AI की हेल्प से, तो हमें फोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो वो कैसे आएगा, सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज आ रहा है बट अब हमें बैक आ जाना और नीचे में आपको यहाँ पे जनरेटिव फील करके ऑप्शन आएगा, उस जनरेट को प्रेस करना। यहाँ आप देख सकते हो अपलोड इमेज का ऑप्शन आ गया है। सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड इमेज को प्रेस करके अपना एक फोटो को ऐड कर लेना है, जैसे कि हमें अपने फोटो को ऐड करा एंड यहाँ पे जो देख सकते हो बैकग्राउंड है स्काई है, उसे आपको इस तरीके से इरेज कर लेना है, मतलब इस तरीके से ड्रैग करके बैकग्राउंड को क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है। प्रॉम्प्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया हूँ, उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करना है एंड जनरेट बटन को प्रेस कर देना। यहाँ पे जनरेटिंग होगी और इसमें आपको तीन इमेज क्रिएट करके देंगे, मतलब तीन बैकग्राउंड ऐड करके देंगे। तीनों में से एक सेलेक्ट कर लेना है जो आपको सही लगे, मतलब कि आपकी फोटो बैकग्राउंड से मैच हो वो वाली बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरे सेकंड वाली बैकग्राउंड सही लग रही है, आप चाहो तो आप यहाँ मोर को प्रेस करके और भी इमेज जनरेट करा सकते हो, ठीक है, अगर ये तीनों में से एक पसंद नहीं आती है तो। सो कि यहाँ पे ये वाली मैंने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करा है तो इसे मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए इस बटन को प्रेस करके डाउनलोड करके सेव कर सकते हो बट वाटरमार्क वगैरह देखने को मिलेगी तो वो मैंने चाहता, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा ये फोटो की साइज को छोटा बड़ा करके स्क्रीनशॉट ले लूंगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सिंपली क्रॉप कर लेना है क्रॉप टूल का यूज करके। जैसे कि यहाँ मैं एडिट पे गया एंड जो स्क्रीनशॉट करा था उसे मैंने इस तरीके से क्रॉप कर लिया। सो कि ये स्टेप कंप्लीट हो गई है, आपको मैं गैलरी पे जाके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारी फोटो 50% कंप्लीट हो चुकी है बट ये अभी नॉर्मल फोटो है, अभी इसे मैं 8K में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए सिंपली आपको अगेन गूगल पे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है KREA एंड इसे सर्च कर देना है। ये वाले साइट को ओपन करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे देख सकते हो इनहेंस का ऑप्शन आएगा, अपलोड एंड इनहेंस करके इसे प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे लॉग इन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे लॉग इन करने का ऑप्शन आ जाएगा तो आप यहाँ गूगल से लॉग इन कर सकते हो एंड Adobe Firefly पे भी लॉग इन कर लेना, वहाँ पे लॉग इन करना भी जरूरी है। मेरा अकाउंट पहले से ऐड था, वहाँ पे लॉग इन करना नहीं पड़ा। सेम प्रोसेस करके आप वहाँ भी लॉग इन हो सकते हो। सो गाइस वाले साइट पे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो उस फोटो को ऐड कर लेना जिस फोटो को हमने स्क्रीन शॉट करके सेव करा था, मतलब स्काई चेंज वाली फोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा 2x 4x 8x 16x, तो यहाँ पे आपको 16x को प्रेस करना है और यहाँ पे कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इनहेंस बटन को प्रेस करना, यहाँ पे कुछ मिनट के लिए लोडिंग होगी, यहाँ पे 2 से 5 मिनट लग जाते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट भी लग जाते हैं अगर सर्वर बिजी हो तो, या फिर आपका इंटरनेट स्लो हो तो। अगर आपका नेट फास्ट है तो यहाँ पे जल्दी आपको प्रोसेस करके दे देगी बट फिर भी मुझे 2 से 5 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ा। सो के फाइनली आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे इमेज रेडी होके आ गई है। सिंपली आपको यहाँ पे टैप करना है, आप यहाँ देख सकते हो इमेज पे क्लियरली हमारी फोटो की क्वालिटी काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। और यहाँ पे सेव करने का भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड को प्रेस करना है, ये इमेज सेव हो जाएगी, ठीक है। हमारी इमेज हाई क्वालिटी में कन्वर्ट तो हो गई है, अगर आप और भी हाई क्वालिटी में ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपली आपको इस पेज को रिफ्रेश करना है और अभी जो 8K वाली फोटो रेडी हुआ था उसे ही आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे अपलोडिंग होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे अगेन 16x को प्रेस करके इनहेंस बटन को प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे भी 2 से 3 मिनट तक वेट करना है एंड जैसे यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगी यहाँ नीचे में लोडिंग होना बंद हो जाएगी एंड उसे टैप करके आप अपने फोटो को सेव कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे और भी ज्यादा क्वालिटी इनहेंस हो चुकी है बट यहाँ पे थोड़ा सा ओवर इफेक्ट लग रहा है। जो फर्स्ट बार में इमेज इनहेंस करके दी थी वही सही है एंड वो इमेज एकदम परफेक्ट लगी। बाकी अगर आप चाहते हो तो आप डबल इनहेंस करा सकते हो जिसमें आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, क्वालिटी दोनों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जब आप अपने फोन पे आप इसे स्क्रीन लॉक पे सेट करोगे या फोन वॉलपेपर पे सेट करोगे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगेगी। एंड गाइस इस फोटो को अपना गैलरी से ओपन करके एडिट वाले ऑप्शन पे आ जाना एंड इसमें सैचुरेशन शार्पनेस वगैरह को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना जिससे थोड़ा सा पिक्चर पे और ज्यादा कलर्स एंड क्वालिटी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे शार्पनेस वगैरह को मैंने इंक्रीज करा था, अब ये फोटो और बहुत ज्यादा सही लग रही है एंड अब हमारी फोटो अब रेडी हो चुकी है। बहुत ही इजी एंड सिंपल स्टेप है जो कि आप इजीली करा सकते हो, प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, चेक कर लेना। वीडियो चले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम वीडियो में, बाय।